Metto più pochi da tutto. E lo salvo anche me. Andare da un grande capo. नमक मिर्च और मरहा जब एक साथ खाने तो बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बहुत अच्छा लगता है। जब पूरा परिवार बैठ के साथ में खाए तो दीदी भैया नमस्ते प्रणाम। और हम लोग तो सब ठीक हैं, आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। और वीडियो आने में तो बहुत लेट हो ही गई है क्योंकि और ये तो अल्हे सुबह से सब्जी बेचने चल जाते हैं तो ढेर शाम को आते हैं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं हम लोग की स्थिति, बस थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा। और खांसी भी हो गया हमको, खांसी तो हमेशा हो ही रहता है। और दीदी भैया वीडियो ना आने का मूलभूत भी कारण है कि ये सुबह से ही चल जाते हैं मार्केट, वहाँ से सब्जी लेंगे उधर बेचेंगे और ढेर शाम को घर आएंगे, आते हैं तो थक जाते हैं, थकला के बाद वीडियो नहीं बना पाते। और हमको तो बनाने आता नहीं है, ना एडिटिंग करने आता है ना कुछ, तो हम बना नहीं पाते हैं। और दीदी भैया हो सके तो हमारे वीडियो को दोबारा क्लिक करके देखिएगा क्योंकि दोबारा देखने से वीडियो को आगे भेजता है यूट्यूब, और थोड़ी सी हम लोग को आगे भेजे तो मदद हो सकती है। और थोड़ा आप लोग 5 मिनट ही कीमती समय निकाल कर देख लीजिएगा, थोड़ी सी मदद करिएगा जैसे सबका करते हैं दीदी भैया वैसे हम लोग को भी करिए। और आप ही लोग सबको आगे बढ़ाते हैं जैसे हमको, हम लोग को भी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। और ठीक है तब चलते हैं, मिलते हैं आगे वीडियो में। बच्चा तो है धामिना के है, वो देखिए इनकी हो गई है हालत खराब। तो ये देखिए बिल में घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है, घुस रहा है। ये देखिए बहुत नज़दीक चले गए हैं, देख रहे हैं ना। हालांकि हम मैं कंफर्म हूँ कि धामिना है, भगा दो धामिना है, 100% धामिना है। ये बिना विष का है और इसमें किसी प्रकार का विष नहीं होता है, तो डरने की आवश्यकता। देखिए कितने तेज से भाग, वो रहा वो रहा वो रहा वो रहा, घोड़ा पचा 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 वो भी कौन सा सांप है तो घोड़ा पछाड़, जिसे कि हम लोग स्थानीय बोलचाल की भाषा में धामिन भी कहते हैं। और बना रही हैं आलू गोभी सब्जी। बकरी को देखने गए थे ना तो सांप दिख गया, और एक नज़र में हम देखते समझ गए कि ये धामिना है। और किसी प्रकार से वो हिंसक नहीं हुआ, आक्रामक नहीं हुआ, जब भी भागा आगे की तरफ भागा, मतलब पीछे की तरफ हमसे दूरी बनाए रखा। तब जो हमारे सर्प भी होते हैं ना, मनुष्यों से कोई उनकी जाति दुश्मनी नहीं होती कि मतलब आए तो हम उनको काट ले, किसी प्रकार की क्षति नुकसान पहुंचा, वो तो बस अचानक से पैर दब गया या आपने कभी उनसे हानि पहुंचा नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की तभी पलटकर वो वार कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अन्यथा ऐसे कोई उनकी हमारे मनुष्यों से कोई ऐसी जाति दुश्मनी है नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जानवरों में अभी जानवरियत बाकी है, लेकिन हम इंसानों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। हाँ इंसानों में इंसानियत ख़त्म, सभी में नहीं, कुछ में हम बात करें, कुछ इंसानों में इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और सच मायने में हैवानियत आ गई है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा, हम सभी मनुष्य की बात नहीं कर रहे, सभी इंसानों की बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ इंसानों में हैवानियत ज़रूर आ गई है। खैर तो ये कुछ है, तो हमें सांपों से डरने की आवश्यकता नहीं है, बस सही चुनाव करके उन्हें सुरक्षित रूप से उनके प्राकृतिक परिवेश में
वापस छोड़ देने की, पहुंचा देने की आवश्यकता है। और आप लोग अगर देखते सांप को तो डरते कि नहीं डरते, जरूर अपनी टिप्पणी क्रम संख्या में अपनी राय मशवरा आप लोग हमारे साथ अनुभव साझा। कभी भी किसी प्रकार का जो भी पशु पक्षी जानवर है तो जब भी आप पर हमला करेगा वो अपनी सुरक्षा की दृष्टिकोण से करेगा, तो ऐसा लगेगा कि मैं, मेरी जान को खतरा है मुझे लगता है, तो अपनी जान बचाने के उद्देश्य से वो आप पर आक्रामक हो सकता है। हम अपने आप को बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ कोई जीव है तो वो मनुष्य ही है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपनी बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करता है, अपने लोभ में, अपने लालच में, अपने व्यक्तिगत हित के वजह से, भौतिक चीज़ों के वजह से लोग हमलावर हो जाते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं, जबकि ये जानवरों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या ही किया जा सकता है, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी मानसिकता। वो कहते हैं ना, कर्मा इज बैक, जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही आएगा। दोनों तीनों बच्चे चल गए हैं विद्यालय, और बढ़ गई है काफ़ी गर्मियाँ, तेज़ हो गई हैं, लू लहर अब चलना प्रारंभ हो गया है, तो दोनों तीनों बकरियों को हम लोग इधर बांध देते हैं छाया में, और बस अपना कुछ कुछ पत्ते वगैरह चरती रहती हैं, और छाया है तो आराम करती हैं। और इतना गेहूं का भी ले आई, ठीक है दीदी, वही तो हम लोग लगा ले रहे हैं पूरा। चैत के महीने में हो रहा खाने में अच्छा लगता है, हरी हरी चना के, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया। जब चैत्र मास का आगमन होता है तो अक्सर हम लोग गांव देहात में ये बूट का होरहा लगाते हैं, और बहुत ही पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग लोग काफ़ी होरहा लगा लगा कर खाए हैं, और सबसे मज़े की बात तब आती है जब उनका खेत में किसी का खेत नहीं रहता, या फिर वो चने जब बो नहीं पाते हैं तो किसी के दूसरे के खेत में चोरी से ही सही, लेकिन खाने की दृष्टि से, होरहा लगाने की दृष्टि से चना, कभी हाँ गेहूँ वगैरह थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो उसका लगा कर खाते थे पुराने समय में। तो अब हमारे गांव में तो अब चने की खेती उतना होती नहीं है, तो हम अपने स्थानीय नज़दीकी बाज़ार से ये चना खरीद कर लगाए लाए हैं, और उसका आरती जी लगा रही हैं। क्या लगा रहे हैं जी? हो रहा, प्रज्ञा भी पत्ती इकट्ठे करने में लग गई है, सारा पत्ता वत्ता इकट्ठा करके, और हाथ इसलिए नहीं उठा रही कि बस कीड़ा फितिंगा का डर के। अब जाके लगेगा, थोड़ा थोड़ा पत्ता से नहीं काम चल रहा था। जब चैत्र मास का प्रारंभ होता है तो अक्सर जब नई फसल कटती है तो आमतौर पर यही रबी की फसल कटती है, चना हो गया, मसूर हो गया, मूंग हो गया, गेहूं हो गया, और खेसारी हो गया। तब बड़े बुजुर्ग पुराने समय से ही गेहूं, चना या फिर जो भी आमतौर पर मोटा अनाज हो उसका होरहा लगाते हैं। खाए हैं कि नहीं बचपन में? हम लोग तो रोज लगाते थे। तो बच्चों ने बरबस आज जिद कर किया था कि पापा चना ले, चना ले, होरहा लगाई, होरहा लगाई, चना था ना, इसलिए हम चना स्थानीय बाज़ार से खरीद कर लाएँ, और कहें कि चलो आज तो होरहा लगा ही दिया जाए, और हो गई है। अब देखिए कि अब संध्याकालीन अब दिन हो गया है, मतलब कि शाम ढल चुकी है और अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा है, और हमारा होरहा भी लगभग अब तैयार ही है। तैयार है जी? हाँ, हो गया है, हो गया। अच्छा बेटा, तब पटक देवे, हट जब बिन को घर ले जाकर रख दे, बाद में अंधेरा हो गया जी काफी ना। काफी अब अंधेरा तो हो ही गया है। ये देख हो गया है।
उधर मुझे देख उधर सोते तो बिल ले हमको भी लगा तातल मम्मी और इधर आ गया अभिनव भी बाहर से खेल के कहाँ से तो आया कहाँ था अभिनव भारी सारे तीनों चारों बच्चे बैठ गए हैं और साथ में आरती जी भी हो रहा के साथ नमक मिर्च भी इसको बैठ के सब कोई खाएंगे दीदी भाई आप लोग भी आ जाइए सब नमक मिर्च और बोरहा जब एक साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है स्वाद बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार बैठ के साथ में खाए तो बड़ी तीता लग रही है तीता लग रहा थोड़ा का मतलब है कि हाथ से छुड़ाते जाइए खाते जाइए अब आए आग में रहता है तो और ही अच्छा लगता है गरम गरम हमने तो अंधेरा होने लगा था तो निकाल लिए सूप में मतलब आग के पास ही बैठ के खाइए एक एक निकाल निकाल के पूरा गया तो तीता लग गया है तीता तीता और ही लग गया और ही रख के ने ठीक है दीदी भैया तो अब हम लोग तो हो रहा खा लिए सब मिल बैठ के अब आप लोग पहुंच नहीं पाते तो अब हम लोग लेते हैं आप लोग से विदा देखते देखते तो सारा चना खत्म हो गया दीदी भैया आप लोग तो को हम लोग तो खिला नहीं पाए ना आप लोग पहुंच पाए तो ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो अब लेते हैं हम लोग विदा आप लोग से तब तक ले नमस्कार नमस्ते प्रणाम दीदी भैया अब एक से अच्छे लगे थे सब हाथ काला हो गया कितना होता है लगता है लग गया अब इतना छोड़ दे आ जी गए पापा ना तो केला खा छे काले से दो आ ये होय कहां अब ये ना है वही तो कहीं